भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो कई वर्षों पहले हो गया था, लेकिन अब विनाशकारी और धर्म पर घात करने वालों पर फिर विनाश भगवान श्री कृष्ण स्वयं करेंगे। पंडित शैलेंद्र कृष्ण महाराज ने आज चौथे दिन श्रीमद् भागवत कथा में व्यास गादी से भक्तों से कहा, महिला एवं पुरुषों की अपार भीड़ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर प्रांगण में उभर पड़ी। तालियां ढोल धमाका के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सबने बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री भागवत परिवार जन कल्याण सेवा समिति भोपाल की अष्टम प्रस्तुति गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा मीनाल मंदिर प्रांगण मीनाल रेसिडेंसी अयोध्या बाईपास भोपाल में संपन्न हो रही है। सनातनियों का ये अपार प्रेम, उनकी अपार भक्ति और उनकी अपार भजन का ये प्रतिफल है कि आज इतने जन समूह आप यहाँ पर भगवान के उत्साह और आनंद में दर्शन कर रहे हो। कल आपने मुझसे प्रश्न किया था कि हिंदू सोया हुआ है क्या, हमने कहा था हिंदू बिल्कुल ही नहीं सोया हुआ है, और हिंदू नहीं सोया हो उसका प्रमाण आप आज देख रहे हैं। जब जब धरती पर पाप अत्याचार दुराचार पापाचार अधर्मी पापाचारी बढ़ते हैं, उन पापाचारी अधर्मी आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए धरती पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। आज श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से इन्हीं भगवान योगेश्वर का अवतार हुआ है। उन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जो अराजकता पापाचार
दुराचार आतंकवाद के माध्यम से, नक्सल के माध्यम से जो फैला रहे हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण समस्त सनातनियों के हृदय में अपनी योगेश्वरी कृपा का बरसात करें और प्रत्येक सनातनी में वो हिम्मत हो कि समस्त आतंकवादी अत्याचारियों को समाप्त कर सकें, धरती पर सुख शांति और सनातन धर्म की स्थापना कर सकें। आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, आपका शांति मिला, आपका आशीर्वाद मिला, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? आज तो बहुत ही हृदय गदगद है, पूरा भोपाल ही उमड़ आया है, हजारों लोगों की भीड़, जन सम्मर्द और सारी व्यवस्था, मानो ऐसा लग रहा था भगवान के जन्म के साथ ही कंस की व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो, नारायणी व्यवस्था प्रारंभ हो गई हो, इतना आनंद, इतना आह्लाद, लोग झूम झूम उठे। और आज इस शुभ वाणी से हम लोगों ने कथा सुनी है, निश्चय ही सबका कल्याण होगा। और वे भक्त भावुक लोग हैं जो यहाँ आए हैं, जो यहाँ आया है वो कुछ न कुछ अवश्य पाएगा।